देश है, अशांति विश्व में अपनी क्रांति से शांति को उत्पन्न कर देने वाले एवं वीर भोग्या वसुंधरा का हृदयांगन करने वाले आप बल भी महर, आज सत्य परीक्षण घड़ी है, सत्य परीक्षण घड़ी है। और हम यह जानना चाहते हैं, हम ये जानते हैं कि तुम्हें अब उत्साह शक्ति की आवश्यकता है। उत्साह शक्ति जानते हो, इस संसार में तीन शक्तियां प्रमुख हैं, कौन कौन सी? एक है प्रभु शक्ति, प्रति मंत्र शक्ति, प्रति उत्साह शक्ति। इन शक्तियों को हमें प्राप्त करना हो तो कैसे? प्रभु शक्ति स्वयं अर्जित की जाती है, मंत्र शक्ति साधन के द्वारा, उत्साह शक्ति, उत्साह शक्ति हमें प्रेरक के माध्यम से प्राप्त होती है। पहले मैं तुम्हारे लिए प्रेरक बनूं, तत्पश्चात तुम्हें। क्या बात है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है साउंड सर्विस की। आदिश मन, जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं है, उस मनुष्य का जीवन कोई जीवन नहीं है। या ये कह दें कि संघर्ष जीवन का पर्याय है, जीवन का टोपी नाम है संघर्ष। कैसा है ये जीवन, बतलाते हैं आचार्य। कैसा है महाराज? आशु धाराओं का उद्गम, कष्टों का जीवन संगम है, अग्नि बाधाओं का बंधन सफल यहाँ पर दुर्गम है। सफलता बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, परंतु मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। इनमें से कौन? बोले जो श्रम की साधना करते हैं। जो मनुष्य परिश्रम की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आचार्य कहते हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिमानव जो श्रम साधक है, क्या बात है, उसके लिए न कुछ बाधक है, और है प्रगति उसी की, ये सहयोगी और विजय उसी की आराधक है। तो इन जीवन के सोपानों पर, सोपान माने सीढ़ी, मनुष्य जीवन रूपी सीढ़ियों पर आगे कैसे बढ़ता है, बताया। इन जीवन के सोपानों पर कैसे कोई चढ़ सकता है? उत्तर मिला, संघर्ष बढ़ सकता है, वह प्रगति मार्ग पर बढ़ सकता है। रही हूँ आदेश। आज विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े वीरों का यहाँ शुभागमन हुआ है। इन सभी वीरों की बल की परीक्षा है, इससे पहले तुम्हारे बल की परीक्षा है। हम ये जानना चाहते हैं, कहीं तुम्हारी भुजाओं का बल छेड़ तो नहीं हो गया? अगर नहीं तो फिर हमारा आदेश है। ओ वीर हमारे वीर मल्हर, आइए तुम देखो वेदी है काली, वीर हमारे वीर मल्हर।
सेट के लिए हम सभी भक्त वीर हमारे वीर मल्लह तुम देखो वेदी है खाली वो वीर हमारे वीर मल्लह आज दिशाए हंस हंस कर आज दिशाए हंस हंस कर मम प्रण का पाठ पढ़ाती है देखे भूवीर सपूतिया देखे भूवीर सपूतिया निरवीर धरानी ठहराती है वीर हमारे हमने जो स्वप्न देखे हैं आज उन स्वप्नों के साकार होने का समय आ गया है यह स्वप्न हमारे सत्य बने यह स्वप्न हमारे सत्य बने हिल उठे देश के अभिमानी प्रणपूर्ण करावे जगत पिता प्रणपूर्ण करावे जगत पिता रह जाए मेरी भीसानी वीर हमारे वीर मल्लह करना क्या होगा जाओ अजगरों का कर पूजन जाओ अजगरों का कर पूजन फिर दीप ज्योति से सजीवाओ और विश्व प्रेमों की इस वेदी पर विश्व प्रेमों की इस वेदी पर शीघ्र धनुशीला रखवाओ ओ वीर हमारे वीर मल्लह अष्ट चक्र वाहिनी मंजूषा में रखा हुआ भगवान शंकर का वह पावन पूज आयुध अपने सहायक वीर मल्लहों के द्वारा खिंचवा कर इस सोनी विमल वेदिका पर स्थापित करवाना है यही आदेश जैसी आज्ञा महाराज और सुन रहे हैं आप लोग महाराज की दे रहा देश चला गया चला जाता है आवाज देश चला जाता है हेलो ऑपरेटर ठीक है आवाज और आप है अमन सिंह शुक्ला अमन शुक्ला जी बिल्कुल कैदन बैठा बिल्कुल ऐसे बैठा जैसे मैं तुम पैदा नहीं भी हो पेटे मारो के आयो लाला के आयो तुम के आयो नाम पता है को तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड पहचान पत्र जन्म प्रमाण पत्र कुछ है तुम्हारा देखो हमको के आयो तो बगल वाला बोलो हम आओ बारे में लिखा और आप हैं बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन तुम बिल्कुल कायदे पैसा नहीं आकर मैं मुंह पर रखा हूँ और चैनल साहब की तरफ से आपके लिए 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान है सानू भैया बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सावधान एकदम एक तो समझे में नहीं आ रहा श्री और श्रीमती लंबरदार श्री और श्रीमती दोनों जने मिक्स है आकर हमें पता नहीं चल रहा कौनी लंग श्री है कौनी लंग श्रीमती है अरे यहाँ नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं लेकिन आधार कार्ड में कौन धोखा हो
हुई जाए और आधार कार्ड में कहोगे श्री की जगह श्रीमती हुई जाए तो लाला का करियो सीटे तू लाइन बैठी है तुम अब और देख लेन मेरे को आओ राम खिलावन की अम्मा तुम हो बैठी हो अरे तैयार समझ नहीं आई और जा कर मेरे को भाई अरे सुशील तू लाइन तुम हो बैठी हो समझ नहीं आई इतनी जोर मरी है मुंह पर आठा उसे तार पकड़ी हाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं जानते नहीं हो हाँ मैं लड़का बहुत सच्चे नहीं ये लड़के वाकई बहुत सच्चे हैं शाम से हम अभी तक देख रहे हैं इनके इतना सज्जन गांव में कोई होएगा नहीं ये गोबर सुन के बता देते हैं भैंस की उम्र कितनी है मजे के सज्जन लड़का भैया है इनसे हम जैसे गांव में घुसे तैसे हमें मजे के सड़वा दिखाई पड़े और जब सरवन काम दी तो हमको भैया ये सरवा बहुत ही गाँव में घूमी से कहा बात है तो हमें एक दो लोग मिले बोले कहना भैया इसका एक कारण है हमने कहा कारण क्या है बोले कारण ये है कहना यहाँ की जनता बहुत गौ है सुंदर ये बात यहाँ बड़ी समस्या है जम गए हमारे महाराज ने हमें आदेश दे दिया और कह दिया हे वीर बल्लो ओ सोनी बेटी का पार ब्याची ओ सोनी बेटी का पार ये सोनी बेटी का पार हुई जहाँ सिया दुलारी की अम्मा बैठी मुंह फली चला रही क्या करना है वो सोनी बेटी का पर भगवान शंकर के प्रिय आयु को उठाकर बड़े प्रेम से स्थापित कराना है और ये काम सिर्फ हमारे जैसे तुम्हारे जैसे कैसे सिर्फ हमारे जैसे कैसे सिर्फ हमारे जैसे कैसे तुम्हारे जैसे कैसे तुम्हारे जैसे बताओ दूर से बताओ सिर्फ हमारे जैसे कैसे और गुमान और मुझ वाले मर्द ही कर सकते हैं ये काम जिनके ना ही मुझ उनके ना ही कुछ और जिनके है मुझ उनके सब कुछ कहा गया हमारे महाराज क्या देखो गुरु मुँह अच्छा देख लियो मुँह अच्छा देखो दादा की मुँह अच्छा देख लियो गुरु मुँह अच्छा देखो गुरु बड़ी बड़ी मुँह अच्छा वो देखो सफेद वाली मुँह अच्छा करिया वाली मुँह अच्छा ये भूरी वाली मुँह अच्छा इधर देखो लल्लिया मुँह अच्छा कहिया रकम की मुँह अच्छा बारी मुआछा ये मुआछा है कि घर का मुआछा कहा गया हमारे महाराज के यहाँ मुच्छदार मर्द हो ध्यान देना जरा जो मुच्छ वाले होंगे वही हमारी बात को समझेंगे और जिनके है ये नहीं जो मुच्छ वाला होता है हमेशा अपनी मुच्छ पर हाथ रख के बात करता है कैसे हमेशा मुच्छ पर हाथ रख के चलता है कैसे चलता है जिनके मुच्छे नहीं है बाप जिंदा बैठे बेटा ऐसा लगता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच इसी पिच पर होने वाला हो जिनके मुच्छे नहीं हुए कैसे चलते हैं ऐसे पता नहीं चल रहा है कि आई थी कि आया था है? कहा गया महाराज के यहाँ मुच्छदार मत हो और नैनदार गोरी देखो गोरी का नाम ली तो मुंह देखो कई डब्बा ही खोल लिया देख लो जरा लड़कन के देखो ई गांव के लड़का हमारे गांव के पुरखा बराबर है बिल्कुल कहा गया हमारे महाराज के यहाँ हमने पहले कहा था कि थोड़ा सा समय दो समय लगता है हमें तो सीधे रखवा दो क्या फायदा हमने कहा था थोड़ा पीछे रख लो आराम कर लो कहा गया हमारे महाराज के यहाँ मुच्छदार मत हो और नैनदार गोरी और दूधदार भैंस हो चालदार देखो दादा बोले काला गोरी अरे इनके लड़का तो लड़का पूरी खो मत कहा गया अरे बिन मुछो जाहिर होते बिन मुछो जाहिर होते वो जमाने हैं हम कैसे कह दे हम कैसे कह दे कैसे कह दे हम कैसे कह दे मिर्गी आ रही जगह
हम कैसे कह दे और भी ऐसा सुंदर व्यवहार किया, ऐसा सुंदर व्यवहार किया, तो माता जी ना मार दिया, घर के पिंडा मार दिया, एक तो कभी के ऐसे ही अफसाने हैं। और ये आगे देखो मुच्छ वाले, इतनी बड़ी समाज में एक आदमी निकला, देख लो मुच्छ वाले क्या नाम है, नाम बोलो सुशिया। कैसा सुंदर व्यवहार किया, पप्पा का चिंदा मार दो, कुर्सी के पिंडा मार दो, ये भी कभी के ऐसे ही अफसाने हैं। हम कैसे कह दें, हम कैसे कह दें जो हम अपने मुंह से बोले वही से बोलते भी है। जो हम अपने मुंह से बोले वो तुम अपने तबले से हमें वापस करो। और इस लड़ाई में अगर हम जीत गए, हम ही जीतेंगे, तुम लोग परेशान ना हो। अम्मा बैठी रहो, जाओ ना। इस लड़ाई में हम अगर जीत गए तो कल ये हमको किसान नगर चल के 5 किलो मिठाई खिलाएगा, और अगर इस लड़ाई में ये लड़का जीत गया तो 25 किलो मिठाई पैक करवा के हमारे घर देने जाएगा। अच्छा। जोन बनावा तो उन चुनी लियो, जो हम अपने मुंह से बोले वापस करो। तुम हो और भोले बाबा का दरबार में भोले बाबा का धनुष वेदिका पर स्थापित
भोले बाबा के ही चरणों में चलते हैं। जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर पर भोले बाबा को मानता है। पीछे वाले तुम्हारे का मुकदमा चल रहा है घसीटे दुबई, उठा दोनों हाथ। बोले भोले बाबा की, बोले योगेश्वर बाबा की, बोल शोभन सरकार की। आइए, अरे क्या खिलाया जाए।